जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरी चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस हम वाइट बना रहे हैं, लेकिन आप इसे हरियाली तीजों पर भी पहना पाएंगे और शरद पूर्णिमा पर भी। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नई मेहमान है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए ये ड्रेस हम देखिए व्हाइट नेट में से बनाएंगे, 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 8 इंची चौड़ा 8 इंची लंबा देखिए डायमीटर कट किया है, क्योंकि 4 नंबर के लिए हम 8 इंची का डायमीटर लेते हैं। आप वैसे अपने ठाकुर जी के सिंहासन के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं तो भी चलता है, डायमीटर में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेन नाप होता है चोली का और सर की पगड़ी का। तो ये देखिए हमने घेर का लिया है 8x8 इंची और पेस्टिंग बुकरम पर सेटिन के पीस को हमने ये पेस्ट कर लिया है, साथ ही आरकंडी का अस्तर भी कट कर लिया है। सबसे पहले क्या करना है, चारों तरफ से सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद यहाँ से कट करना है और बीच में से सिलाई लगानी है, इतना काम करना है। साथ ही हमने देखिए नेट के पीस कट किए, नेट की पट्टियाँ 3 पट्टियाँ हमने कट की हैं, 3.5 इंची चौड़ी है ये और 45 इंचीज लंबी है, यानी 135 इंची लंबी और 3.5 इंची चौड़ी हमने ये पट्टियाँ कट की हैं, इनका हम घेर बनाएंगे। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस तरीके से मोड़ करके ये कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद यहां से लेकर के गोलाई में ये सिलाई लगा करके ये कमर की जो गोलाई है इसको कट करके निकाल देंगे। अब ये व्हाइट वाला टिश्यू टेप लिया है, इसे टिश्यू टेप से लॉक कर देते हैं। कमर की गोलाई को हमने अभी तक कट नहीं किया, इसको भी कट कर देते हैं। देखिए थोड़े से ऑफ वाइट कलर में हमने ये गोटे वाली लेस ली है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, इस लेस को ये किनारे किनारे जहां पर हमने टिश्यू टेप लगाया वहां पर इसको लगा देते हैं लॉक। अब हमने ये जो नेट की पट्टियाँ ली हैं इनसे हम घेर बनाएंगे और घेर हम इतनी जो कमर की हमारी गोलाई है इतनी गोलाई के अंदर बनाएंगे। घेर कैसे बनाना होता है, हमें 2 इंची नेट का घेर हम 2 इंची का बनाते हैं एक प्लेट, और अगर से हम कॉटन में मोटे फैब्रिक का बना रहे हैं तो 1.25 इंची से 1.5 इंची के अंदर हमें एक प्लेट डालनी होती है। तो ये 2 इंची के अंदर एक प्लेट हम इस तरीके से डालेंगे, फिर 2 इंची उठाएंगे, अब बिल्कुल केवल एक सुई की नोक के बराबर हमें आगे बढ़ना है कि नेट का घेर हम जितना घना डालते हैं उतना ही अच्छा रहता है, वरना नीचे का बेस दिखाई देता है तो वो अच्छा नहीं लगता। देखिए एक पट्टी हमारी ख़त्म हो गई, दूसरी पट्टी में हमें जॉइंट लगाना है, तो जॉइंट हम सिल करके ना लगा करके इस तरीके से देखिए साइड मोड़ा और जहाँ पे हमारी प्लेट शुरू होती है वहाँ पे हमने रख दिया। ये हमारा जॉइंट लग गया और दिखाई भी नहीं देगा, ना सिलाई दिखाई देगी, ना हमने जॉइंट कहाँ लगाया वो पता लगेगा। घेर हमारा बन गया, अब इस घेर को हम डायामीटर के ऊपर फिट कर देंगे। ये डायामीटर को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे और पूरी कमर की गोलाई में इसे सिलाई लगाते हुए यहाँ तक फिट कर देंगे।
घेर को फिट करने के बाद में टिश्यू टेप लगा लेते हैं, उसके बाद हम नेफा लगा लेंगे। टिश्यू टेप लगाने के बाद नेफा लगा लेते हैं। नेफा भी हम गोल्डन कलर का लगाएंगे, इसके लिए हमने गोल्डन कलर की पट्टी ली है और सिंगल ही लगाएंगे इसे। नेफे को इस तरीके से आधा इंची अंदर की तरफ साइड मोड़ करके और पीछे की साइड से यहाँ से यहाँ तक टक कर लेंगे। एक साइड से पट्टी को टक करने के बाद दूसरी साइड से ये छोड़ा हुआ पीस हमने अंदर की साइड मोड़ दिया और डोरी को इस तरीके से सेट किया। थोड़ा सा कपड़े को मोड़ा, मोड़ने के बाद ये किनारे किनारे सिलाई लगा करके पूरा घेरा कंप्लीट करेंगे। घेरा हमारा बन गया, इसका डेकोरेशन अभी बाद में करेंगे, पहले चोली बना लेते हैं। तो चोली के लिए देखिए हमने 3 इंची चौड़ा और 12 इंची लंबा फैब्रिक लिया। 4 नंबर के ठाकुर जी की चोली है और इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से एक बार इस साइड से मोड़ेंगे, एक बार दूसरी साइड से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद में दोनों साइड को मिला करके यहाँ सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ये गोल्डन पट्टी की हमने चोली बना ली, लेकिन इसमें लेस नहीं लगाना है कि अपने आप में ऐसे ही सिंपल अच्छी लग रही है, तो इसको इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे डबल करके, निशान लगाएंगे। और ये चोली को इसके सेंटर में रख के सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमारी बहुत सिंपल सी ड्रेस बनकर के तैयार हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। चलिए अब इसका डेकोरेशन कर देते हैं। अब ये सबसे पहले डेकोरेशन के लिए देखिए हमने ये हार वाली बूटी ली है। इन हार वाली बूटी से हम यहाँ पर बाहर बाहर की साइड किनारे किनारे की साइड में इनको लगा करके इसकी आउटिंग करेंगे। उसके बाद में हमने ये मोर पंख वाली बूटी ली है। इन बूटी को हम इनके अंदर इनके कर्व के अंदर लगा देंगे। इतना काम करने के बाद में और बताते हैं आपको आगे क्या करेंगे। ये ग्रीन कलर के स्टोन लिए हैं हमने, इन स्टोन को हम ये कमर की जो गोलाई है उसके चारों तरफ लगा देंगे। ये देखिए इतना काम जितना हमने आपको बताया उतना काम हमने कर लिया। अब हमने देखिए एक बूटी इस तरीके के लिए थोड़ा सा बड़ा स्टोन है ऐसे, इसको लगाएंगे हम इनके बीच में ऐसे। सेम मैचिंग में मिल गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रीन लुक बढ़ाना है ना इसलिए। और इसके बाद में एक एक इनकी टिप पर हम ये ग्रीन स्टोन लगा देंगे। आपको ज़्यादा ग्रीन लुक देना है तो आप इसकी पूरी पूरी लाइनें भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉजपॉज हो जाएगा, इसलिए मैं एक बूटी ये लगा रही हूँ और एक बूटी ये लगा रही हूँ। इसकी ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है, इसमें ग्रीन भी है थोड़ा थोड़ा। आप हरियाली तीजों पे पहना सकते हो इसे और शरद पूर्णिमा पे भी पहना सकते हो, किसी भी फेस्टिवल पे पहना सकते हो, लेकिन ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी ये पहनने के बाद में। ठाकुर जी हमारे पास 4 नंबर के तो नहीं है, लेकिन 5 नंबर को भी आ जाएगी, उनको ही पहना के दिखाएंगे, लेकिन पहले पगड़ी बना लेते हैं।
ये देखिए हमने पगड़ी बना ली है। पगड़ी हमने बिल्कुल सिंपल रैप की है। पगड़ी में हमने कुछ भी नहीं किया, ना कलगी लगाई है ना कुछ। सिंपल पगड़ी हमने बनाई रैप की, और बस इसमें जो बूटी हमने इसमें ड्रेस के अंदर लगाई है, देखिए ये बूटी हमने ड्रेस में लगाई है, ये इसमें हमने सेंटर में लगा दी। दो बूटी हमने ये छोटी छोटी लगा दी। ये जो हार वाली बूटी है ना, इसको हमने ऐसे खड़ा करके यहाँ लगा दिया। और इससे भी एक बड़ा हार वाली बूटी थी हमारे पास, उसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दिया। तो ये देखिए पगड़ी बहुत ही खूबसूरत मुकुट जैसी बन गई है हमारी। चलिए ठाकुर जी को पहना देते हैं। थोड़ी सी छोटी आएगी क्योंकि 5 नंबर के ठाकुर जी को हम 4 नंबर की पगड़ी पहनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे 5 नंबर के ठाकुर जी हैं, इनको ये ड्रेस हम पहनाएंगे। तो ड्रेस को देखिए कैसे पहनाएंगे। कमर भी थोड़ी सी छोटी रहेगी हमारे ठाकुर जी की ये, क्योंकि ये चोली देखिए हमने बिल्कुल सिंपल बनाई है, क्योंकि ड्रेस हमारी काफ़ी हैवी हो गई। और चोली सिंपल रहती है तो ठीक रहती है, क्योंकि ठाकुर जी जब ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो ज्वेलरी का डिज़ाइन निखर के आता है। अगर से चोली में हम ज़्यादा डिज़ाइन डाल देते हैं, तो जो हम ज्वेलरी पहनाते हैं ना ठाकुर जी को, अब त्यौहार की ड्रेस है तो ज्वेलरी भी हैवी पहनाएंगे, तो ज्वेलरी का पूरा डिज़ाइन ही निकल पाता। तो जब आप चोली सिंपल पहनाएंगे तो ज्वेलरी का डिज़ाइन अच्छा निकल के आता है। तो ड्रेस लग रही है ये देखिए। अभी इनकी ये पगड़ी भी पहना देते हैं। पगड़ी थोड़ी सी छोटी है क्योंकि 4 नंबर की है इसलिए, बट मैं आपको पहना करके थोड़ा सा लुक दिखाना चाह रही थी इसलिए मैं पहना रही हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है, अमेजिंग है ना। और कुछ भी हमने ज़्यादा नहीं किया इसमें, थोड़ी सी ट्रिक बस लगाई है और बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। दोस्तों इस ड्रेस का मटेरियल अगर से आपको नहीं मिलता मार्केट में, तो हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, हमारा नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और ड्रेस को भी खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी ही आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।